जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर तक लेकर जाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हाथ में जल का पात्र देकर महादेव को जल चढ़वाते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को कथा तक लेकर आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को तीर्थ तक लेकर जाते हैं, वही बच्चे जिनका तुमने बचपन में हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर गए हो, वही बच्चे बड़े होकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें तीर्थ करा देते हैं। उन बच्चों को संस्कार आप दीजिए, उन बच्चों को विद्वत्ता आप दीजिए। भगवान शंकर ने जब लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया था, तब लक्ष्मी जी ने धन्यवाद दिया था शिव जी को, आप मुझे आदेश दो कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। शंकर भगवान ने कहा मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी कहती है नहीं, आपने मुझे नारायण से मिलवा दिया, कुछ तो कहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए, उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा। परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो तो कितना सुंदर कहा, एक लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापिस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके तारे बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहेंगे। एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता। गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देव अधिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है, पिपलाद की कथा कह रही है, जब सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण। तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए, तो कहते हैं उस घर में वैभव सत्ता संपदा लक्ष्मी समृद्धि शांति की कभी कमी नहीं। कभी मेरा एक निवेदन आप सबसे है, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, भगवान की चौखट पर जब भी जाओ, जब भी जाओ, जिस समय भी तुम्हारा मन पड़े, जब तुम पहुंचो उस समय पर, जब वापिस चलने लगो, वापिस चलने लगो, तो एक बार भगवान को या तो पलट कर देख लो, या फिर उसकी देहली पर, उसकी चौखट के बाहर, उसके द्वार पर, या उसके मंदिर में या देवालय में एक क्षण के लिए बैठ जाओ, कुछ देर के लिए बैठो उसकी चौखट। क्या होगा, हम मंदिर में जाकर देवालय में जाकर इसलिए बैठते हैं कि वहां से थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए और वो एनर्जी हमारी दिन भर चले, वो ऊर्जा हमारी।